हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो का आपको इंतजार था, बहुत सारे मैसेज आए, मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैं निकाल के थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गाइडेंस से हो जाती है आपकी मदद। सो गाइस, सबसे पहले बिना भूले बिना बिना संकोच किए एक सेकेंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इन कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे आपको एनालिसिस कैसा लग रहा, ताकि आपका फीडबैक जानकर मैं ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करूं। आई होप आपका पैसा आज बना होगा, एनालिसिस आपको समझ में आया होगा और साथ के साथ में बेसिकली आपको गाइडेंस बिल्कुल मिली होगी। और क्या ही मार्केट ने दिखाया है जलवा भाई, आपको बोला था मार्केट ये नीचे की तरफ आया था, हैंगिंग फ्रूट मतलब बिना फिबोनाची के पिन पॉइंट टारगेट के मार्केट नहीं जाएगा, और नीचे बोला था आएगा मतलब आएगा। बहुत अच्छा गैप डाउन, मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके, क्योंकि इसके नीचे आ चुका है तो भाई ताऊ जी को राम राम बोलने तो आना पड़ेगा। मार्केट नीचे आया और क्या ही खूबसूरत पिन पॉइंट नंबर जो आपको दिए थे 51,927, 51,672 पिन पॉइंट सपोर्ट यहां पर मार्केट ने लिया। निफ्टी की अगर हम चर्चा करें, क्या निफ्टी ने सपोर्ट लिया क्या नहीं लिया भाई? बोला था 25,350, 25,250, मार्केट ने दोनों लेवल टच किए, खूब अच्छा पैसा बना फिबोनाची का। और आपके साथ जाते जाते मैंने एक चीज भी बोली थी भाई, मार्केट गोल्डन पॉकेट के ऊपर क्लोज कर रही है, रिस्की रहेगा, बाउंस भी आ सकता, थोड़ा सा संभल के बच के। एग्जिस निफ्टी अभी क्या कर रहा है देखो, एग्जिस निफ्टी अभी 81 पॉइंट माइनस है ना, होने दो कोई बात नहीं, मार्केट ये लेवल नीचे तोड़ेगा। हमारे पास 25,000 25,078 का लेवल भी नीचे की तरफ बन के आ रहा है, मार्केट यहां भी आ सकती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या मार्केट के अंदर आज लेवल्स ने काम किया। भाई ये देखो, लेवल्स ने काम किया, मार्केट नीचे की तरफ आई, ये जब सपोर्ट जोन पे बाउंस भी मारे मारा इसने, सस्टेन नहीं कर पाया नीचे की तरफ आई, ये लेवल टूटा तो सारे नीचे लेवल अड़े थे, मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आया। निफ्टी तो ऐसा चला है कि भाई मजेदार मजेदार, जितने स्क्रीनशॉट्स आए ना, स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर, जैसे निफ्टी ने लेवल्स लेवल्स ड्रॉ करके, आपका कैलकुलेशन करता हूँ वो करता प्योरली प्योरली हमारे इन, मैं बाहर हूँ थोड़ा सा, नहीं ज्यादा ही स्लो चल रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है, लेकिन क्या देखो ब्यूटीफुल मार्केट खुला, बूम 25,440 के लेवल से बाउंस मारा, रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लिया, और यहां से यहां पर ये कौन सा लेवल है 940 के आसपास, टेलीग्राम पर चले जाना इसी टाइम के आसपास, 9:40 के आसपास बोला था नीचे का लेवल पेंडिंग है, मार्केट आएगा वहीं से रिवर्सल, मार्केट डम डम डीगा डीगा, मौसम भीगा भीगा, नीचे की तरफ आया है, सपोर्ट लिया है हमारी सपोर्ट जोन के ऊपर ही, जहां पर आपको बाय बाय की जोन दिखाई थी, मार्केट वहीं से सपोर्ट लेके गया। और कैसे पैसे बन सकता हूँ मैं अगर इसको डिलीट कर दूँ, यहाँ से डिलीट कर दूँ और आ जाऊँ अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, भाई फ्री में, आपके भाई ने फ्री में, ऐसा कुछ नहीं है कि चार्ज लिया हो, एक गैन इंट्राडे इंडिकेटर दिया था आपका, मार्केट ऊपर गया ठीक है, इसके ऊपर मार्केट सेकंड टारगेट से रिवर्स होके आया, अगर आपका टारगेट वन पे नहीं निकले, आपको पता है कैसे ट्रेड करना नहीं करना, तो एक वीडियो है मेरे टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, कि गैन सीक्रेट इंडिकेटर कैसे यूज करना है पूरा तरीका बता रखा है मार्केट में। यहाँ पर अगर आप बाय कराओ, यहाँ पर बाय करा तो आपका फर्स्ट टारगेट आया, तीसरे टारगेट के लिए हम वेट करते हैं, नहीं आया कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ से रिवर्सल आई तो आपको फर्स्ट टारगेट पे निकल जाना था, अगर आप कॉस्ट पे भी निकले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे की तरफ यहाँ पर इसका वो आया लेवल, और उसके बाद में तीसरा टारगेट नीचे की तरफ आया, नहीं आया नहीं आया, इस इंडिकेटर की खासियत बताई थी, अगर तीसरा टारगेट नहीं आया तो क्या है भाई, अगले दिन मार्केट क्या कर सकती है, मोस्ट प्रोबेबली लेवल 25,214 पेंडिंग हो गया, अब मार्केट इसको नीचे की तरफ कवर करनी चाहिए, 81 पॉइंट से क्या कर देगा कवर, बिल्कुल कर देगा कवर। सेम चीज बैंक निफ्टी के अंदर देखूं तो भाई बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए थे, यहाँ तो दिल खुश वो तो दिल जी दोसांझ, सेम कहानी, यहाँ के नीचे जैसे कैंडल क्लोज हुई इसका स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ बैठना था, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट आया है ना, चौथा भी आया पांचवा भी आया, तो यहाँ तो पूरे टारगेट आपके आते हुए दिखाई, तो ये इंडिकेटर आपको फ्री में मिल जाएगा, टेलीग्राम वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर, कैसे यूज करना है वो देख लेना ठीक है, सिंपल करेक्ट।
चलो अब आ जाते हैं डेली के चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट और कितना गिर सकता है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मैंने तो आपको बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस करके ऑलरेडी बताया था कि मार्केट को कितना गिर सकता है, पहले ही वीडियो में देख लेना। लेकिन ये जो जोन है गाइस, ये एक सपोर्ट की जोन है, और मार्केट इस जोन को तोड़ने के बाद नीचे की तरफ जहां जाने की कोशिश कर रहा है वो बहुत खतरनाक जोन है। अब यहाँ पे देखो, ये लेवल के बाद में ये सपोर्ट जोन है 5350, और एक ये मेजर सपोर्ट है 49764। ये दो मेजर सपोर्ट है जो मार्केट को गिरने अभी नहीं देना चाहते। और यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, ब्रश ले लेंगे ये भाई, टॉप पे ही बताया था आपको, अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो ये यहाँ से आके एक बार बाउंस मार के ये एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश मार्केट कर सकती है। तो इसका इंतजार करेंगे। निफ्टी के अंदर भी सिमिलर जो है वो सिनेरियो जो आपका है रहने वाला है ना। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि नीचे कितना गिर सकता है। एक बार यहाँ से ना मैं थोड़ा सा जूम, ओए ज्यादा हो गया, चार्ट जूम करना है ना। यहाँ से एक बार मनाकी के स्टूडेंट्स को पता है कि कितना क्या और कैसे। देखो पिन पॉइंट, पिन पॉइंट आया है तो यहाँ पर तो उसका हो गया है काम पूरा। निफ्टी के अंदर देख लेते हैं, कुछ पेंडिंग बचा है, क्योंकि अगर निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, ठीक है। थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं निफ्टी के अंदर। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टारगेट जो है अभी भी पेंडिंग है, यहाँ से थोड़ा सा टारगेट अभी भी पेंडिंग है। ये लो, ये भाई ये जो जगह है ये साफ साफ चीख चीख के एक ही इशारा कर रही है कि मार्केट 25125 तक गिरना चाहिए। यहाँ से अभी भी मार्केट 25125 तक गिरना चाहिए, ये इसका लास्ट जो स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए नीचे की तरफ आना चाहिए। तो 25125 तक मार्केट को जो है नीचे की तरफ गिरना चाहिए, हमारा लेवल हो गया। याद रखना 25125 का लेवल जो है नीचे की तरफ पेंडिंग है। निफ्टी के अंदर भी ये एक शोल्डर, ये एक हेड और एक शोल्डर बाउंस डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। नीचे का एक गैप है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार यार याद रखना, मार्केट जब गिरती है लोग बोलते हैं ओ माय गॉड मेरा पीएनएल लाल ये वो, लेकिन गिरती मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बनता है, पहली बात। दूसरा जो बात बता रहा हूँ ध्यान से ना, इन्वेस्टर्स घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट करेक्शन ले रही है, इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय मेनी स्टॉक्स, मेनी स्टॉक्स, टाटा के, रिलायंस के, बैंकिंग सेक्टर के, ऐसे स्टॉक्स जो आपको बहुत सस्ते दामों में मिलेंगे, मार्केट नीचे गिर सकती है। मैं कोई वॉर का सिनेरियो नरेट नहीं कर रहा हूँ आपको, और यूट्यूबर उसका गाना गाता हुआ दिखेगा, अरे इसराइल ने ये कर दिया, वो चार्ट बता रहा था भाई करेक्शन आनी है, गिरना है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो वो गिरना है, ठीक है। अब बहाने अपने आप बन जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सबका बाप है, टेक्निकल एनालिसिस सबका बाप है, वो पहले बता देता कि मार्केट में चार्ट के अंदर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स यहाँ पर आके मिला भी है। आपको मैंने एक और चीज बताई थी, 3 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो 3 अक्टूबर है वो अमावस्या है, और गाइस अमावस्या के दिन बनी हुई कैंडल, बेसिकली 2 से शुरू थी 3 को खत्म हुई थी, ये कैंडल बहुत क्रूशल है। अमावस्या की स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पर एक बार बताने जा रहा हूँ, क्या हम कर सकते हैं गाइस। आपको क्या करना है, इस कैंडल का हाई मार्क करना है और इसी कैंडल का लो मार्क करना है, ठीक है। आज की जो कैंडल बनी है वो इतनी क्रूशल है कि इसका हाई लो मार्क करना है। अब इसका हम मेजर कर लेंगे कि ये कितने पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है ये, और 886 पॉइंट, 880 मान लो यार, चलो 888 पॉइंट, और बोले मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 888 पॉइंट का मूव मार्केट देगा, मतलब देगा, मैंने बोला था आएगा मतलब आएगा, देगा तो आने वाली है, ठीक है। लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ, इसमें डिस्क्लेमर आपको डेफिनेटली दे दूं, दिस इज नॉट अ बाइंग और अ सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पसेस। जो मैं एक स्ट्रेटेजी, मेरी ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अमावस्या वाले दिन जो कैंडल बनती है उसका हाई और लो मार्क करने के बाद जितने पॉइंट की वो कैंडल है उतने पॉइंट का मूव उसके ऊपर या उसके नीचे आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे कोई क्लोज दे देती है, इट विल बी इन कंफर्मेशन के 888 पॉइंट, 880 पॉइंट फर्दर मार्केट ड्रैग डाउन करने वाला है। यहाँ से 888 पॉइंट देख लेते हैं कितना आ रहा है, 800, ये तो 50,795 है, 50,800 मान के चलो, ठीक है, मैं राउंड राउंड कर रहा हूँ नंबर 800, 50,800 तक बैंक निफ्टी को स्लिप करना चाहिए, और बैंक निफ्टी भी करेगी यहां से। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर कंफर्मेशन मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तो 888, या मार्केट ऊपर की तरफ अगर रिवर्सल किसी तरीके से देती है तो हमें सिर्फ क्लोजिंग का इंतजार करना है, यहाँ से 888 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्केट दोबारा जा सकती है।
ठीक है, ये एक्यूरेसी कितनी है स्ट्रेटजी की, इस स्ट्रेटजी की, इस ऑब्जर्वेशन की जो एक्यूरेसी है वो 70% से लेकर 80% तक ही है। कुछ भी 100% नहीं होता, कुछ गारंटीड नहीं होता, कुछ अश्योर्ड नहीं होता है। मार्केट सर्वोपरि है, अगर मार्केट घूमती है तो हमें भी घूमना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या हिसाब का रहता है, देखो मार्केट इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो आपको 888 पॉइंट यहां तक देगी, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस हमारा ऊपर का रहता है, इस कैंडल का हाई, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर घूम जाती है ना, नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग देके घूमी, तो ये मान के चलना कि मार्केट जितना आपका स्टॉप लॉस खाएगी, नीचे की तरफ जितने का स्टॉप लॉस खाया था, 888 तो ये देगी देगी, उसके ऊपर जितना स्टॉप लॉस खाए। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, मान लो आपको यहाँ पर एक कैंडल जो है वो क्लोज होते हुए दिखाई दे जाती है ना, कैंडल क्लोज होते हुए मतलब कैसे कर ले, मैं एक मिनट वो देखने की कोशिश करता हूँ, फिर मिल जाएगा तो ये है शायद, ये रेक्टेंगल लेते हैं। मार्केट ने एक यहाँ पर कल आपका गैप डाउन हुआ और मार्केट ने एक कैंडल यहाँ पर क्लोज की, है ना, मार्केट ने एक कैंडल ऐसे यहाँ पर क्लोज की, तो यहाँ पर इसकी एंट्री आएगी, मार्केट में फर्दर डाउन आना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है और अगले दिन मार्केट ट्रैप करके मार्केट यहाँ से गैप अप दे के घूम जाती है ऊपर की तरफ, तो आपकी जहां पर भी एंट्री आई थी, जो भी एंट्री थी, जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस लगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका आपका ये स्टॉप लॉस मान लो अगर 200 250 पर, हाइपोथेटिकल 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसने लिया, तो मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगी तो 888 पॉइंट तो देगी ही देगी, साथ में इसके ऊपर 250 पॉइंट और देगी, मतलब दूसरी साइड वो हमें एंड करना, 250 पॉइंट कितने होते हैं ये यहाँ से, वो मतलब कैलकुलेट कर लेना, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, इतना और ऊपर की तरफ मार्केट जानी चाहिए। तो 53,400 के आसपास के टारगेट दोबारा से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? जिसको समझ में नहीं आया एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, दोबारा समझने की कोशिश करो, एकदम से समझ में आ जाएगा। मतलब मार्केट घूम सकती है, इसका मतलब यह है कि घर बार बेचना कुछ नहीं है, कई छोटे से रिस्क के साथ में काम करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, वो क्या है, 1 1 2 1 1 2 क्या है, बहुत सिंपल सा, एक फिक्स स्ट्रैटेजी, आपका कोई भी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर आपको काम करो, पैसा तब बनेगा। दूसरा, एक फिक्स लॉट साइज जो भी आप लेते हो वो फिक्स करो, कभी भी पोजीशन साइजिंग को, रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करके चलना चाहिए, और मैक्स ट्रेड्स, दो ट्रेड्स इन अ डे, ये फॉर्मूला जो फॉलो करेगा ना मेरे भाई, लॉन्ग टर्म के अंदर सर्वाइव कर जाओगे, साइकोलॉजी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की तरफ डेफिनेटली आते हुए देख जाओगे। तो ये तो हमारा एक ओवरऑल व्यू हो गया, तो आज की जो कैंडल बनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ में एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, गैप 52,818 और 52,591, इसके बीच का जो गैप है ना, मार्केट जब ऊपर आएगी ना, जैसे नीचे जा रही है ना, उससे तेजी से ऊपर आएगी, तो नीचे भी पैसा बनता है ऊपर भी पैसा बनता है दोनों साइड से। तो बस कॉशियस होके खेलना है, अपॉर्चुनिटी पे खेलना है, मौके पे चौका मारना है, उसके हिसाब से खेलना है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट वंस अगेन, पैसों का मामला होता है भाई, तो दोबारा देख लेना ठीक है, और सीखने की कोशिश करना, जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सको। सेम स्ट्रेटजी निफ्टी के अंदर भी काम करती है, निफ्टी की जो कैंडल है उसको मेजर करके आप कर सकते हो, ऊपर और नीचे की तरफ देखना जरूर और इसको समझना जरूर, चाहो तो आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो, बैक टेस्ट करके, तरुण सर बैक टेस्ट करके दिखा दो, बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, देखो मून फेसेस, ये क्या है, तरुण भाई आपको एक और इंडिकेटर बता रहा है, ये जो जहां जहां ये गोल चक्कर आ रहा है ना, ये है अमावस्या, है ना। अब मैं यहाँ से डिलीट करके दिखा देता हूँ, ये मैंने ड्राइंग हटा दी, और यहाँ पर देखो ये अमावस्या की कैंडल थी, इसके नीचे मार्केट जितना पॉइंट है ना उतने पॉइंट आपको मिलने चाहिए, यहाँ से कितने पॉइंट की कैंडल है, 502 पॉइंट की कैंडल है, इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट 502, अगर नीचे की तरफ निकल रही है तो 502 पॉइंट नीचे की तरफ जानी चाहिए, तो यहाँ से 502 पॉइंट कैलकुलेट करते, क्या मार्केट 502 पॉइंट आई है, बिल्कुल आई है, 800 पॉइंट आई है, ठीक है आराम से भैया उतना पैसा मार्केट, ठीक है चलो दूसरी जगह देख लेते हैं। मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई थी, इसका हाई इसका लो, इसके लो के नीचे कहीं क्लोजिंग नहीं आई, करेक्ट, इसके हाई के ऊपर कहाँ क्लोजिंग आई, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, यहाँ से इस कैंडल के साइज का पैसा मिला क्या, ये कैंडल ने बहुत रुलाया था, काफी दिनों तक अटकाया था और साइडवेज हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, 1,000 पॉइंट की कैंडल थी और बताया था 1,000 पॉइंट का मूव आएगा, और इस कैंडल के ऊपर क्या 1,000 पॉइंट का मूव आया,
स्टॉप लॉस तो नहीं खाया लेकिन 1000 पॉइंट का आपको डेफिनेटली देखने को मिला। ठीक है, ये कैंडल देखेंगे, ये वाली कैंडल थी, इसके नीचे क्या इस कैंडल का साइज आया आपको दिख रहा है, डेफिनेटली आया। ठीक है, ये कैंडल बनी थी लाल वाली, इसके अगले ही दिन इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, अगले ही दिन। ठीक है, ये कितने पॉइंट की कैंडल है, ये है आपकी 754 पॉइंट की कैंडल। अब इस कैंडल को बनने के बाद हम क्या इसके ऊपर 785 पॉइंट आए क्या? बिल्कुल आए मेरे भाई। ये कैंडल छोटी बनी थी, वो साइज नीचे की तरफ भी आया देखो क्लोजिंग के बाद, है ना। ये कैंडल बनी थी कौन सी, ये वाली। अब ये वाली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पर ना स्टॉप लॉस लगा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये देखो, ये इसके ऊपर थोड़ा सा देखोगे ना क्लोजली तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग किया है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाती है, मार्केट घूम गई, आपका स्टॉप लॉस का गई, जो भी पॉइंट का स्टॉप लॉस का है उससे डबल ट्रिपल नीचे की तरफ दे दिया, तो दूसरी साइड डायरेक्शन में बैठ जाओ, गारंटीड गारंटीड तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ मार्केट ने दिया। बैक टेस्ट करके देखो, कुछ समझ में आपको आना शुरू हो जाएगा। ये कैंडल थी कितने पॉइंट की थी, यहाँ पर देखेंगे, ये देखो। बैक टेस्ट करो भाई, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, बैक टेस्ट करके देखो, उसके बाद में फॉरवर्ड टेस्ट करना, पूरा का पूरा आया, तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाएगी। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट करता है। एक्सजेएस निफ्टी अभी अगर देखेंगे तो 115 पॉइंट दिखा रही है, वॉलिटिलिटी की हद है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही है, मेरे हिसाब से गैप अप गैप डाउन निफ्टी क्योंकि नीचे की तरफ छोड़ गया तो जाना चाहिए नीचे की तरफ। अब हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, वो है ये। अब 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, मेरे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, 25193, 25,193 का लेवल। मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है, इसके नीचे अगर मैं देखते चलूँ तो कितने पॉइंट्स बनते हैं, यहाँ पर अगर देखोगे तो 63.70 पॉइंट बनता है। अगर मार्केट 70 पॉइंट के अंदर घूमी तो भाई इसी लेवल पे सपोर्ट लेके घूमनी चाहिए वापस की तरफ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे जाती है, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ पर एक पैटर्न का कंस्ट्रक्शन हुआ है जो आपको देखना पड़ेगा, यहां से ये और यहां से ये। अगर ये ब्रेकडाउन दे देता ना तो हाँ यार कैरी भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है और इसका जो टारगेट है नीचे की तरफ जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये क्लोन, यहां से इसका नीचे इसकी तरफ आया, तो लगभग लगभग 25100 तक के टारगेट जो आपको डेफिनेटली दे रहा है। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके ये लाल कलर की लाइन जो है यहां तक के टारगेट की घोषणा कर देता हूँ, घोषणा मतलब लगता है कि यहाँ तक आना चाहिए। तो ये जो लेवल है 25193 के नीचे आएगा, ये जो येलो कलर की आपको गोल्डन लाइन दिखा रही है, इट्स इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस मार के लेकिन नीचे की तरफ आना चाहिए। 25124 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके नीचे अगर मार्केट खेल सकती है तो 25084 जो आपको दिख ही रहा है, उसके नीचे छोटे छोटे से लेवल है गाइस, लेकिन ये है बस। और ये जो जोन है इसके नीचे सेल के बारे में अभी फिलहाल मत सोचना, 24972 का लेवल है, इसके नीचे मत सोचना, क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट गया तो ये लाल लाइन पे भी नहीं रुकेगा, मार्केट सीधा इसी जोन के ऊपर आएगा। बट हाँ, मार्केट कल मुझे उतना नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का अगर हम लेवल्स की चर्चा कर लें कि किस तरीके से लेवल बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कल ना मार्केट ने यार ये ना एक तरीके से ना ये डब्ल्यू भी बना सकता है, यहाँ से ऐसे घूम के वापस की तरफ भी जा सकता है। तो एक मैं यहाँ पर लाइन है नहीं, लेकिन यहाँ पर जिसने सपोर्ट लिया ना, क्योंकि ये फिबोनाची गोल्डन पॉकेट का बॉटम है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट जोन रहने वाली है, तो उसको जोन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेना। ठीक है, मार्केट अगर आपको किसी भी रीजन से इसके नीचे जाती हुई दिखाई देती है 51700 के नीचे, तो सेल की पोजीशन बना सकते हैं, ये जोन भी नहीं रोकेगी, मार्केट आपको 51456 और उसके बाद में ये वाली जोन पर आती हुई दिखाई देगी 51161, ये बाय बाय की जोन है। मुझे बैंक निफ्टी इससे ज्यादा नीचे की तरफ अभी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये जो नीचे की जोन है ना, ये वाली ये कंजस्टेड जोन है, यहाँ पर सपोर्ट 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 बहुत ज्यादा है, तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज होकर होगी, लेकिन जो स्पीड होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पीड काफी अच्छी होगी, तो 51700 के नीचे 51456 एंड 51160 को आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा गाइडेंस रहेगा आपको मिल जाएगा, वीडियो छोटी सी रखूंगा ताकि अपलोड करने में जो है वो थोड़ा सा हमें मिल सके। फटाफट चलकर देखते हैं कौन से स्टॉक के एनालिसिस के बारे में आपने बोलने की कोशिश की। द फर्स्ट कमेंट किसका आया था वो भी देख लेते हैं, कुछ स्टॉक्स हैं। थैंक यू फॉर योर व्यू फॉर हिंडालको राज, ये वेलकम। ठीक है सर, आप मिड कैप निफ्टी का भी एनालिसिस दे दीजिए कि अच्छा मिड कैप निफ्टी नहीं है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम से मैं देखने की कोशिश करूंगा, है ना। वरुण भाई ने सबसे पहला कमेंट किया था, हाय वरुण भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। सर ओन योर व्यू होल्डिंग पुट पुट मोनिका, चलो आई होप यू बुक योर प्रॉफिट। इंडियन टेरेन का शॉर्ट टर्म का व्यू बता दीजिए, इंडियन टेरेन देख लेते हैं, इंडियन टेरेन फैशन लिमिटेड, ये यार बीएससी के स्टॉक्स में मत घुसा करो यार,
एनएससी खेलो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, इम्पोर्टेंट सपोर्ट को तोड़ रहा भाई ये जो सपोर्ट की रेंज है, एक सपोर्ट की जोन है, मार्केट यहाँ से बाउंस मार सकता है, और मेजर ये फॉल होता है तो मार्केट का यार यहाँ पर भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट जोन है, लेकिन जो लास्ट इसका सपोर्ट है वो ये है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि तरुण सर ये बुलिश है या बेरिश है, ये वाली जोन तक आ सकता है नीचे 40-45 के आसपास, ठीक है, बट मैं इसमें घुसना नहीं चाहूंगा गाइस, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट जोन है, ये वाली एक और इसके नीचे सपोर्ट जोन है, इसके बाद में गिरना शुरू हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक जोन है, ये पूरा का पूरा एक जोन है, मार्केट इसी जोन के अंदर, ये जोन टूटने के बाद मार्केट आपको नीचे के लेवल 44, तो अगर वो ये 50 के नीचे जाता हुआ दिखा देता, 50 रुपए के नीचे, तो और नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। वरुण भाई बोलते हैं डॉक्टर रेड्डी का व्यू दे दीजिएगा सर, डॉक्टर रेड्डी देख लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज एनएससी, बहुत बढ़िया ऐसे स्टॉक देखा करो यार, है ना, मार्केट यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश कर रही है, ये वीकली चार्ट के ऊपर है, कुछ देख लेते हैं, इसको बोलते हैं तेजी, देखो तेजी, फ्लैग बनाया, फिर तेजी, फिर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, वो चल रहा है। अब इसका फिबोनाची लगा लो इस पर्टिकुलर लो से, ये वाला पर्टिकुलर लो, तो यार इसने सपोर्ट से बाउंस लिया है, दे ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको 6760 के ऊपर डेली की क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देता है तो ये अगेन एक रैली शुरू करेगा और अपने एटीएच, ये जो एटीएच मार रहा है इसको क्रॉस कर देगा, ठीक है, इसके ऊपर लगभग लगभग 350, 7350 के टारगेट निकल के आएंगे, अगर मार्केट ये 7760 के ऊपर क्लोज कर देता है तो ये 7350 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। सो अभी ये पैटर्न इन द मेकिंग है और आपको अच्छे बुलिश रिजल्ट दे सकता है अगर ऊपर की तरफ क्लोज करता है, नीचे की तरफ करता है तो नीचे के लिए गोल्डन पॉकेट तक आ सकता है हाँ? और देख देते हैं, अमन भाई बोलते हैं डॉक्टर रेड्डी सर, डॉक्टर रेड्डी बता दिया अमन बरोड जी, टाटा मोटर्स देख लीजिए, प्रीत सिंह बोलते हैं टाटा मोटर्स देख लेते हैं, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स क्या बोल रहा है, टाटा मोटर्स बेरिश है मेरे भाई, ये बिल्कुल एम पैटर्न बनाने के उसमें है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 657, कहां से ये जो विक बनी है ना ये लेवल टूटने के बाद, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बेरिश है, नीचे की तरफ आ सकता है 859 के नीचे, इट विल बी मोर बेरिश, एम बना के नीचे की तरफ आएगा और ये लेवल, ये जोन टूट जाती है, इस जोन के अंदर बाय मत करना, ये जो जोन है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जोन की बाय मत करना, क्योंकि अगर ये यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर चला गया तो ठीक है, वरना अगर ये जोन भी तोड़ देता है तो ये बॉटम पर आएगा, इस वाले बॉटम पर 456, तो ओवरऑल व्यू ऑफ दिस स्टॉक इज बेरिश एज ऑफ नाउ, है ना। और देख लेते हैं सर ONGC पूछते हैं, विकास गुप्ता जी ONGC देख लेते हैं, ONGC क्या बोल रहा है, ONGC ONGC गोल्डन पॉकेट पे आने वाला है मेरे ख्याल से, बहुत बढ़िया, ये भी पैटर्न इन द मेकिंग है, अगर ये आपको 300 के ऊपर मिलता है तो बाई कर सकते हो, फिर से हाई के लिए 345 के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है, फिलहाल मुझे लगता है ये गोल्डन पॉकेट तक आएगा, ठीक है, थोड़ा सा वो रख लेना, है ना। लास्ट कमेंट जो किया है वो टाटा मोटर्स के लिए किया है सुरेंद्र सिंह ने, टाटा मोटर्स का मैंने बता दिया भाई ऑलरेडी, ठीक है। क्रिएशन जी बोलते हैं नेलको, तो लास्ट स्टॉक ऑफ द डे ले लेंगे नेलको, NELCO, नेलको NSE देख लेते हैं क्या कर रहा है, एम पैटर्न सिमिलर कंस्ट्रक्शन, फिबोनाची बाबा की जय, बाप लेवल बना के देता है, बाप लेवल निकाल के देता है, ट्रेड भी ऐसे देता है, बहुत बढ़िया, ये अपॉर्चुनिटी जोन के ऊपर है, व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी जोन, यहाँ पर अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल का कंस्ट्रक्शन करता है, आई रिपीट ग्रीन कैंडल का कंस्ट्रक्शन करता है इस जोन के ऊपर, तो उसी इसी जोन के लो का स्टॉप लॉस बनना चाहिए, मार्केट ऊपर की तरफ 1200 तक के टारगेट के लिए आराम से यहाँ से दोबारा से बाउंस कर सकता है, इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अपसाइड, ठीक है गाइस, ये एनालिसिस रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का साथ के साथ में, 5 अक्टूबर लास्ट डेट है हमारे ट्रेडिंग मास्टरी के बैच के रजिस्ट्रेशन की, वो लोग जो बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस अलोंग विद माय फिबोनाची मास्टरी पैकेज, जिसके अंदर मैं सारे के सारे आपकी स्ट्रेटजी, 6 स्ट्रेटजी जो है वो तो सिखाऊंगा, साथ में आपको 7 पार्ट जो मैंने बनाया इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा 7th पार्ट, ताकि आप उसको यूज कर सकें और सीख सकें। 5 तारीख 5th ऑफ अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर अ डिस्काउंटेड प्राइस, गो अहेड एंड बुक योर सीट बिफोर 5th ऑफ अक्टूबर,
हैप्पी नवरात्रि टू एवरीबडी हु इज सेलिब्रेटिंग इट, टू यू एंड योर फैमिली गाइस. मैं मुलाकात करूंगा आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, हंसते रहिए, साथते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए. आई सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय.